बैक टू माय चैनल आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम लोग अपना अपना कान फुटाने वाले छिलवाने वाले छिलवाले क्या गाइस हम अपना ईयर पियर्सिंग करवाने वाले हैं। तो यहां पे मार कर दिया है मैंने, तो यहां पे अभी बंदूक चलेगी रे, बंदूक चलेगी। तो गाइस उसके बाद हमने सबसे पहले निशान लगा लिया और निशान लगाने के बाद इसको थोड़ा सा नरम करना है हाथ से। आप देख सकते हो कैसे हमें दीदी बता रही थी कि ऐसे ऐसे करना है और ये मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी, मुझे नहीं पता था कैसा होगा कैसा नहीं, लेकिन डर बहुत लग रहा था और हंसी भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। देखो अच्छा अच्छा है, लेकिन ये वो साइड तो दीदी से फिर मैं नहीं जाऊंगी। अभी ये जो भी आप खा लीजिए देखना आराम से, तो मेरे आराम से ये आराम से जो तो मिला है वो क्लिप लगा दो ना। मैं मम्मी को बोल के, मम्मी बात करते रहो अलग जगह फुटा दो उसके बाद। एक्साइटमेंट दी देखिएगा, हाँ दी देखिए तो ठीक है, दे दू ज़्यादा डर लग रहा था कि आंटी आई और आंटी ने बोला मुझे पकड़ लो, तो मैंने जोर से आंटी को पकड़ लिया था। ये मेरी आंटी है संगीता दीदी की मम्मी, तो आप संगीता दी को पहचानती होंगे और उनका चैनल मैं मेंशन कर दूंगी, तो आप उनके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हाँ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। और हाँ गाइस बहुत पेनफुल था मेरे लिए,
तो क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम करवा रही थी मतलब गन से, इसीलिए शायद, ठीक है, और बचपन में ही मैंने करवाया था। उसके बाद गाइस बड़ा ही दिल में शांति रखते हुए एक करवा लिया था, तो सेकंड भी करवाना ही था, तो ये करवा रही थी। देख सकते हो ये वाला बड़ा ही आराम से हो गया था, और फर्स्ट में मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसीलिए शायद ऐसा हुआ। हो गया। तो गाइस ये रहे हम दोनों ईयर पियर्सिंग करवाने के बाद। तो आई होप ब्यूटी पर्सन को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।